अपने नेचर को ये देख रहा है और देख के भांप रहा है कि खतरा है या नहीं है। अगर इसको खतरा महसूस होगा तो ये है अपने आप को वहीं पर स्थिर रुका हुआ रहेगा। तो इसके लिए मैं इसको क्या, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप लोगों ने ये किंग कोबरा का जो रात में मैंने रेस्क्यू किया था उसका वीडियो तो आपने देखा होगा। तो अभी आपको मैं इसके रिलीज करने के वीडियो में शामिल करना चाहता हूँ, ऐसा जो मेरे को भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी यही लगती है, तो आपके साथ मैं इसको बांटना चाहता हूँ। अकेले खाने का अच्छा नहीं है अपॉर्चुनिटी, तो चलिए मेरे साथ वीडियो में बनी रही है। किंग कोबरा को कैसे मैं रिलीज करता हूँ उसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा। तो हम लोग जंगल में जा रहे हैं, तो थोड़ा खुले जगह में इसको बाहर निकालता हूँ। इधर सही है ना, इधर रिलीज करेंगे तो इधर ही छोड़ेंगे। ये एक घना जंगल है दांडेली का। तो किंग कोबरा जो है संसार का सबसे बड़ा जहरीला सांप है, और इसके जहर में जो वेनम पाया जाता है, और ये वेनम अपना इंजेक्ट जो करता है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इंजेक्ट करता है, जिसके वजह से कि आदमी की आधे घंटे के भीतर ही मौत होने की चांसेस संभावना होती है। तो किंग कोबरा जो है एक ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है, जो फीमेल होती है अप्रैल मई जून ये सीजन में अंडे डालती है। तो इसके अंडे को यह घोंसले में जब देती है तो उसका जो कोर एरिया रहता है उसका टेम्परेचर वो एकदम अपने सेंस से टेम्परेचर को भापती है, उतना ही टेम्परेचर जितने के अंडे सेने के लिए काफ़ी है उतना टेम्परेचर रख के वो अंडे डालती है। तो उसका टेम्परेचर होता है 24 से 28 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और 90 डेज लगभग या 90-100 डेज लगभग इसका अंडे सेने का वक्त होता है। उस दौरान अंडों से बच्चे निकलते हैं, 20 से 50 अंडे तक वो देती है, और इसकी ज़्यादा लेंथ जो होती है 20 फुट तक भी हो सकती है, लेकिन मेरे को 16 फीट तक मिला हुआ है किंग कोबरा, लेकिन ये किंग कोबरा जो है 12 फुट का है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, अब मैं किंग कोबरा को बाहर निकालने वाला हूँ, और इसके दर्शन करना बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है सबके लिए। और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे वीडियो के जरिए आपको किंग कोबरा देखने के लिए मिल रहा है, और बने रहिए वीडियो में दोस्तों। अभी इसको हम लोग थोड़ा सा ओपन करेंगे और फिर इसको इसकी नेचुरल हैबिटेट एरिया में जाने के लिए दे देंगे। अभी थोड़ा हाथ भी मेरा ये है मैंने, हाँ वो लीजिए, हाँ। तो ये किंग कोबरा जो है उनके अगर ये उसका ध्यान बटाएंगे तो उन्हीं की तरफ से देखेगा, यही तरीका होता है सांप को हैंडल करने का कि इसका ध्यान अपने तरफ नहीं होना चाहिए, और जहाँ तक हो सके मैं इसको इससे नज़र मेरी ना हटे मैं इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। आप थोड़ा इसको मैं जंगल में छोड़ देता हूँ, ये लीजिए किंग कोबरा चला गया, इसको थोड़ा सा टच कर देता हूँ। तो अपने नेचर को ये देख रहा है और देख के भांप रहा है कि खतरा है या नहीं है। अगर इसको खतरा महसूस होगा तो ये है अपने आप को वहीं पर स्थिर रुका हुआ रहेगा। तो इसके लिए मैं इसको क्या करता हूँ कि किंग कोबरा को जाने के लिए देता हूँ, ये जो है जा नहीं रहा, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा पुश करता हूँ, ये अभी चला जाएगा। लगभग 12 फुट का ये किंग कोबरा है, देखिए इसकी शान कितनी, देखने के लिए दिल हमारा गदगद होता है किंग कोबरा को, और मैं जब उसको हैंडल करता हूँ तो ऐसा लगता है कि हर समय मैं कुछ नया प्राप्त कर रहा हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और मैं कोशिश करता हूँ जितना मुझे नॉलेज मिलता है जितना मैं जानकारी लेता हूँ वो आपके साथ शेयर करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो शुक्रिया, सेव नेचर, सेव स्नेक, सेव एनिमल्स।